हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल दोस्तों आज मैं यूपीटीजीटी टी जी के एग्जाम्स जो 8 अगस्त फिजिकल एजुकेशन का हुआ था उसका सभी क्वेश्चंस का सॉल्व करा रही हूँ यह पार्ट नंबर टू है एंड दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे किसी भी स्टेट का हो टीजीटी पीजीटी के वी एस एन बी एस टी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपने सौ से अधिक वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसी पर बनाए गए हैं उसको प्रैक्टिस करना न भूलिएगा सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ तो प्रश्न है कि हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों इसको आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा देख लीजिएगा यहां पे तो पच्चीस यार रेखा माना है ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द फ्यूजी फार्म किससे रिलेटेड है तो फ्यूजी फार्म किससे रिलेटेड है अस्थि पेशी यानी इसके रिलेटेड मसल से ठीक है फ्यूजी फार्म यानी कि बेलन आकार की पेशी जैसे हमारा ट्राइसेप, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई है कितनी है अठारह इंच ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है क्रियाशील शक्ति यानी दोस्तों डायनामिक स्ट्रेंथ तो डायनामिक स्ट्रेंथ को कहा जाता है क्या कहा जाता है आइसोटोनिक शक्ति यानी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा ठीक है जैसा कि दोस्तों स्ट्रेंथ दो प्रकार का है स्टैटिक स्ट्रेंथ इस एंड डायनामिक स्ट्रेंथ ठीक है स्टैटिक स्ट्रेंथ जो होता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी उसको कहते हैं जो डायनामिक स्ट्रेंथ होता है उसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ जो है तीन प्रकार का होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि अधिकतम शक्ति एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति सहनशीलता जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों पुनर्वास यानी कि पुनः वापस लौटना ठीक है पुनः वास करना इसका शाब्दिक अर्थ होगा यानी कि खेलों में चोट लगने के बाद पुनः पहले वाली स्थिति में आना ही पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन कहलाता है ठीक है और इसके उपयोग खेलों में पुनर्वास के लिए उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों तीन विधियां उपयोग किया जाता है तीन विधियों को अपनाया जाता है जिसमें से पहला है व्यायाम विधियां यानी करेक्टिव एक्सरसाइज दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां और तीसरा चिकित्सा विधियां तो इसे आपका क्या कहा है कि खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है तो इसमें होगा सुधारात्मक व्यायाम एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों की सरपल्स इनर्जी थ्योरी यानी कि अतिरिक्त शक्ति की धारा को किसने संस्थापित किया था तो इसको किया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रियोलॉजी का अध्ययन है ऑस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन करता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है अंडा मांस खाद तेल दूध वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपको दिख गया होगा कि खाद तेल तो आपका फैट यानी वसा में आता है और अंडा मांस दूध ये तीनों प्रोटीन में आते हैं तो खाद तेल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खाद जो है खाद तेल जो है वो फैटी एसिड है यानी कि फैट है वसा में आता है अंडा मांस दूध ये प्रोटीन में आता है खाद तेल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी जो है हड्डी से जुड़ी रहती है किससे जुड़ा होता है दोस्तों कई बार इस क्वेश्चन को दोहरा चुकी हूं कि पेशियां हड्डियों से किसके द्वारा जुड़ी रहती है टेंडन के द्वारा किसके द्वारा टेंडन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है टेंडन के द्वारा पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हड्डियां हड्डियों से जोड़ों पर एक हड्डी दूसरे हड्डी से जोड़ों पर किससे जुड़ी होती है दोस्तों लिगामेंट से ये ध्यान में रखिएगा ठीक है एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है जोड़ों पर ज्वाइंट्स पर लिगामेंट्स से और एक मांसपेशी हड्डी से जुड़ती है टेंडन से ठीक है एंड दोस्तों हमारे हड्डियों हड्डियों के जोड़ों पर गदेनुमा आकृति होती है वो उपास्थि यानी कॉर्टिलेश का बना होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है जैसे कि दोस्तों तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एन एस सी पीएनएस एन तो यहाँ पे क्या दिया है कौन तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है यहाँ पे सेंट्रल पेरिफेरल ऑटोनोमस ऑटोनोमिक तीनों है जबकि सेंसरी नहीं है तंत्रिका ये, ये न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स का प्रकार है सेंसरी ठीक है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है है कि में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील जैसा कि दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के ठीक है तो पे पानी में घुलनशील विटामिन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा विटामिन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में एंटीना का प्रयोग किया जाता है जैसा कि वेरी इजी क्वेश्चन आप सबको पता है वॉलीबॉल में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिले दौड़ के समय जोन का निरीक्षण कौन करता है तो कौन करता है अंपायर करता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा ये कंफ्यूजिंग है इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा लेकिन माना गया है अंपायर को ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक ट्रैक इवेंट में लाइनों की चौड़ाई क्या है तो प्रत्येक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है कौन सा आसन जैसे कि चक्रासन आसन आसन, मधुरा मयूरासन त्रिकुणासन तो चक्रासन मयूरासन त्रिकुणासन ये तीनों बैठ के नहीं किया जाता है जबकि आसन जो है वह बैठ के किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा नेक्स्ट है किसी लेन के इस डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है तो कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा wn एन माइनस वन माइनस टेन गुड़े टू पाई ठीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है तो कौन सी ऐसी बीमारी है दोस्तों जो संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है तो वह है आपका रेबीज कौन सी बीमारी है रेबीज है जो संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है जैसे कि कुत्ते के काटने से पागल कुत्ते काटने से जानवरों के काटने से ठीक है तो ये किस वायरस से फैलती है दोस्तों जो रेबीज होता है वह फैलता है रेहेबडो वायरस ठीक है रेहबडो वायरस से फैलता है और इसको अलर्क रोग भी बोला जाता है रेबीज को ठीक है अलर्क रोग भी बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाता है तो दोस्तों हमारी जो पेशी फाइबर में वृद्धि होती है मजबूत होती है तो उसको हाइपर बोला जाता है ठीक है हाइपर तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जबकि यही भी बोलता है कि पेशी फाइबर कमजोर या वृद्धि नहीं होती है पतली होती है तो उसे हम क्या है? बोलते हैं और ट्रॉफी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोड होता है तो कितना होता है चौतीस दशमलव चौतीस दशमलव डिग्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, है काइफोसिस को यह भी कहा जाता है तो काइफोसिस को क्या क्या बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे तो इसको काइफोसिस को काइफोसिस राउंड बैक हंच बैक आदि बोला जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा राउंड बैक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन बार बार बताया जा चुका है जोड़ों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी बोला जाता है ठीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का संकेत है तो गति का संकेत क्या है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा किलोमीटर प्रति घंटे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजिंग आप होते होंगे बहुत ही जैसे कि स्पीड जो होता है गति का इकाई जो है वह मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर पर आवर है ध्यान में रखिएगा मीटर आएगा तो मीटर के साथ सेकेंड आएगा और किलोमीटर आएगा तो उसके साथ पर आवर आएगा ठीक है तो मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर तो पर आवर यहाँ पे क्या दिया किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यदि यह ना दिया होता तो यहां पे होता मीटर प्रति थी सेकेंड ठीक है मीटर प्रति सेकेंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का मुख्य कार्य है डब्ल्यू बी सी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों यह जीवाणु के खिलाफ लड़ाई इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है Seat and reach test मापता है, दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है सीट एंड रीच टेस्ट क्या मापता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ी को दिया जाता है तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है लक्ष्मण अवार्ड ठीक है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है तो दोस्तों कई बार यह परिभाषा बताया जा चुका है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है यानी जो आप कभी सीखे हैं या जो आप सीखे उसमें आपका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जब सीखेंगे तो भी तभी तो परिवर्तन आएगा तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है तो सीखना क्या है व्यवहार में परिवर्तन ठीक है क्या होता है व्यवहार में परिवर्तन होता है जब भी सीखना है दोस्तों वहां व्यवहार का परिवर्तन जरूर रहेगा तो ये आपकी पॉइंट ध्यान में रखिएगा सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें बदलाव होता है किसका व्यवहार का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साठ पुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इष्टतम त्रण अधिकतम गति सदिशों का समांतर चतुर्भुज अधिकतम इष्टतम कोण फेंकने की अधिक ऊंचाई तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है जैसा कि सबसे पहले दो होगा यानी अधिकतम गति फिर चार होगा अधिक इष्टतम कोण उसके बाद पांच होगा फेंकने की अधिकतम अधिक ऊंचाई ठीक है अधिकतम गति फिर अधिकतम कोण ठीक ठीक फेंकने की अधिकतम ऊंचाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सीखने के प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है तो दोस्तों यहां पर सबसे प्रभावी स्वयं सीखने के लिए है अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था तो कौन था दोस्तों प्रकाश पादुकोण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीके थलान में अंतिम स्पर्धा होती है तो डीके थलान में अंतिम स्पर्धा क्या होती है दोस्तों पंद्रह सौ मीटर दौड़ होता है ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा जबकि हेप्टा थलान में क्या होता है अंतिम स्पर्धा 800 मीटर दौड़ तो दोस्तों डीकेथलान हे, हेप्टाथलान पेंटाथलान ट्राइथलान के बारे में डिटेल में बना चुकी हूँ वीडियो उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे क्योंकि वो ट्रिक के साथ बताया गया है तो उस वीडियो को जाकर के प्ले में देख लीजिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है तो दोस्तों 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई एक दशमलव छह सात होता है जबकि यहां पे एक दस जीरो दिया है तो यहाँ पे यही मान्य है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है तो कौन है अमरूद है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी है कौन है बाइसेप्स, सार्टोरियस रेक्टस रेक्टिविस कौन है तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस ठीक है सार्टोरियस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है एंड दोस्तों यहीं पे सबसे चौड़ी पेशी बोल देगा तब तो सबसे बड़ी पेशी बोलेगा तो हमारा ग्लूटियस मेडियस है कुल्हे की पेशी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों तीव्रतम तीव्रता शब्द आया है यानी गति तो और प्रचंडता के साथ संकुचन यहाँ पे शक्ति और गति दोनों का समन्वय होगा वहां पे क्या होगा दोस्तों विस्फोटक शक्ति तो यहाँ पे पावर करेक्ट आंसर होगा ठीक है पावर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता जैसा कि दोस्तों स्प्रिंट रेसों में 100-200 सौ मीटर दौड़ एंड रिले रेसो में एंड 100 एक सौ दस सौ मीटर बाधा दौड़ो में स्प्रिंट स्टार्टों में क्राउच स्टार्ट लिया जाता है यानी बैठकर स्टार्ट और यह क्राउच स्टार्ट तीन प्रकार का होता है मीडियम स्टार्ट एलोंगेटेड स्टार्ट बंच स्टार्ट तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है तो कौन नहीं आता है शॉर्ट स्टार्ट नहीं आता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार, है? तो wild, प्रतियोगिता प्रकार है, नहीं है तो इलिमिनेशन राउंड रॉबिंग बेगनल वाइल्ड ये तीनों प्रतियोगिता के प्रकार है बट एंटीसिपेटरी नहीं है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिश ग्रिप संबंधित है तो फिर ग्रीप किस से रिलेटेड है जेवलिन थ्रो से जेवलिन से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था दोस्तों तो उरुग्वे में खेला गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि में से कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता है नार्कोटिक्स डिपेंडेंट्स डिप्रेजेंस स्टिमुलेंट्स तो इसमें से नार्कोटिक्स डिप्रेजेंट्स स्टिमुलेंट्स यह ड्रग्स की श्रेणी में आता है बट डिपेंडेंट्स नहीं आता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है तो किससे रिलेटेड है हॉकी से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया कीजिए एंड दोस्तों तैयारी में लगे रहिए वैकेंसी तो आएगी ही कभी न कभी तो जब वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा आज का दौर बड़ी कंपटिशन वाला दौर है और ऐसे में सभी इतने स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप पिछड़ जाएंगे इसलिए यह मौका है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तैयारी करते रहिए जिससे जब भी एग्जाम्स आए वो क्लियर हो जाए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिससे आपके लिए मैं डेली बेसिस वीडियोज इसी तरह बनाती रहूं एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बेलाइको को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद